अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। तो जी हाँ, आप लोग भी अपने लिए अगर पोर्टेबल फ्लड लाइट वर्क लाइट अगर लेना चाह रहे हैं तो ये प्रोडक्ट मैं ले आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये आप लोग मिनी फ्लड लाइट देख रहे हैं, ये भी पोर्टेबल है। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले की हुई है और इसकी कम्प्लीट वीडियो आप लोगों को इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कैंपिंग लाइट्स डिफरेंट जिसमें मैंने अनबॉक्स की थी, तो उसमें से एक ये लाइट है। इसकी खासियत ये है, ये पोर्टेबल है लेकिन इसकी लाइट ठीक ठाक है। तीन मोड्स इसमें आते हैं और इसके साथ जो हमें बैटरी पावर सेल मिलता है वो एक बड़ा मिलता है 8800 mAh का। तो ये वाली जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ पोर्टेबल फ्लड लाइट वर्क लाइट आउटडोर्स के लिए, इसमें इस तरह के तीन सेल हैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बता दूँ, इसमें तकरीबन हो सकता है कि 5 वेरिएंट्स आते होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में ये आपको 30 वॉट आउट पावर में मिल जाएगी और 60 वॉट इसमें मिल जाएगी, लेकिन ये है 30 वॉट वाली, ठीक है। तो ये देखें, प्यारा सा इसका डिज़ाइन है, छोटी सी है, ऊपर ये कैरिंग हैंडल भी दिया हुआ है। अभी थोड़ी सी बारिश वारिश हो रही है तो जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इसके साथ ये स्टैंड दिया हुआ है और ये इसकी खासियत ये है कि 360 एंगल में रोटेट करती है, ठीक है। इसको आप ऊपर पूरा टिल्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, और नीचे ये इतनी नहीं हो सकती, खैर। और इस साइड से इसके नॉब दिए हुए। इसके साथ बॉक्स में हमें मिल जाते हैं दो किस्म के चार्जर, ऑब्वियसली मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, इस प्राइस में अच्छा है, नॉट बैड। और इसके अगर क्वालिटी की बात कर ली जाए चार्जर्स की, तो वो बस सो हैं। इससे मैंने चार्ज किया हुआ है, तकरीबन कुछ घंटे में ये चार्ज हो जाती है पूरी लाइट, 0 से 100 तक अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 घंटे में ही आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये वाला भी काम में आ सकता है अगर आप लोग ख़ास तौर पे अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये गाड़ी के सिगरेट लाइटर से आप कनेक्ट करेंगे और अपनी इस पोर्टेबल फ्लड लाइट को चार्ज कर सकते हैं। ये जो मिनी वर्क लाइट है ये IP65 वाटर रेजिस्टेंट है और ये आप लोगों को इधर जो है ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, इधर चार्जिंग सॉकेट है जो कि इसके ऊपर जो है रबर का ये दिया हुआ है कवर, और इसके पीछे इसकी बैटरीज हैं, ठीक है। तीन बड़े साइज़ की इसमें बैटरी डलती है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को बैकअप अच्छे घंटे का मिल जाएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ये वाले इस तरह के मैंने पावर सेल यूज़ किए हैं दूसरे वाले अपने फ्लड लाइट पे, तो उसमें एक यूज़ हुआ है, तो ये आप लोगों को आराम से मेरे ख्याल से 5 से शायद 7 घंटे तक का, या एटलीस्ट 4 घंटे तक का बैकअप दे देगा। तो इसमें इस तरह के तीन जो हैं 8800 mAh के बैटरीज़ दी हुई हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसको इससे निकाल भी सकते हैं, ये देखें, और अगर इसको और भी आप लोग इसको मिनिमाइज़ करना चाहें तो ये वाले स्क्रूज़ वगैरह से भी हैंडल इसका रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, तो अगर इसकी ब्राइटनेस की बात कर लीजिए तो 2400 इसके लूमन इसकी ब्राइटनेस है, और इसमें तीन जो है डिफरेंट आप लोगों को ब्राइटनेस के लेवल्स मिल जाते हैं। तो पावर के बटन को ऑन कर लेते हैं, सबसे पहले आपको जो है लाइट ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, सेकंड बार प्रेस करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, और थर्ड वाला इसमें जो ऑप्शन है वो SOS का है। तो आप लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो रोड साइड वगैरह पे, आप लोग अपनी गाड़ी का कोई भी काम कर रहे हो, तो आप लोग ये साइड पर रख के SOS के लिए हेल्प कॉल कर सकते हैं। तो ये SOS का ऑप्शन तो इसका बहुत ही यूनिक है और ये यकीनन आप लोगों को ट्रैवल में काम आने वाला है। और ये आप लोग अगर अपने लिए बाइक आना चाहते हैं तो इस पोर्टेबल फ्लड लाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। और इसकी प्राइस मुझे पड़ी थी विद डिलीवरी दराज से ही मैंने ऑर्डर किया था 3500, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले इसकी प्राइस थी 2500 अलॉन्ग विद द डिलीवरी, लेकिन टाइम ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान में हर चीज़ की प्राइसेस जो है हाइक पे जा रही हैं, तो इससे पहले ये सब भी महंगी हो जाए तो आप लोग अपने लिए बाई कर सकते हैं। अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस ठीक है इस महंगाई में भी। तो प्रोडक्ट पसंद आया तो अपने लिए बाय कर ले, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, एक के नेटवर्क पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए यूनिक आइडिया के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।